पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात बता दूं कि ये वीडियो रिकॉर्ड की थी मेरे मैनेजर साहब ने, और जहाँ जहाँ पर उनको ख़ारिश हुई है ना वीडियो में, वहाँ वहाँ पे ऑडियो में थोड़ा शोर है, तो उसको बर्दाश्त कर लेना। वीडियो इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि दुबई में जाके मैंने रिकॉर्ड किया है और सलीम भाई हैं, तो वीडियो स्किप नहीं मैं कर सकता था, ना ही दोबारा बन सकती थी, तो ऑडियो का थोड़ा सा इशू है, उसको बर्दाश्त कर लेना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल बाबरी वाली सरकार। और भाई आज की जो वीडियो है ना काफी क्रेजी होने वाली है। मेरे पास सलीम भाई मौजूद है। सलीम भाई जब भी आते हैं ना किसी मोबाइल की प्राइस लेकर आते हैं, और आज की जो वीडियो है इसलिए क्रेजी होने वाली है क्योंकि मैं दुबई आया हुआ था। और एक सवाल जो अक्सर आता है ना वो ये आता है कि भाई दुबई में हर चीज सस्ती कैसे है, और स्पेशली आईफोन की क्या प्राइस चल रही है। तो मैंने कहा भाई उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं जो यहाँ के एक्सपर्ट है ना। तो भाई सलीम भाई बताएं जरा आप क्या। बिलाल भाई दुबई में आए हैं और हम इनको आईफोन की प्राइस ना बताएं, पर दुबई ना घुमाए तो कैसे हो सकता है। आज आपको पाकिस्तान में जबरदस्त प्राइस मालूम पड़ने वाले आईफोन के। अच्छा यार, इसमें मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि आईफोन की जो ऑफिशियल प्राइस है दुबई में शायद वही बहुत कम है, लेकिन इसमें कुछ मार्केट्स हैं, जैसे भी ये बर दुबई की मार्केट है, यहाँ पर जो आईफोन बिक रहा होता है वो असल में सस्ता होता है। अगर आप एप्पल स्टोर से लेंगे तो उस पर आपको वही ऑफिशियल प्राइसिंग जो है वो मिलेगी, और दुबई में जो आईफोन आ रहा होता है उसमें फेस टाइम भी आपको पता नहीं होता। तो कोई भी बंदा जो मतलब सस्ते फ़ोन की बात करता है ना, वो जनरली इन मार्केट्स की बात कर रहा होता है, वो उस तरफ एप्पल के स्टोर की बात नहीं कर रहा होता। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं। और मेरे साथ आज राशिद भाई भी हैं, इनका यहाँ पर शॉप है, अभी उनको भी इंट्रो करेंगे हम। जरा डिटेलिंग वही आपको बताएंगे इस वीडियो में। सलीम भाई ने मुझे ना सीधा सोर्स पे लाके छोड़ दिया। तो राशिद भाई क्या हाल है आपके, ठीक है? और सलीम भाई के हमारे मतलब किधर सस्ता मिलता है। सलीम भाई लेके आए हमें सस्ता मिलता है। राजीव भाई की दुकान का नाम क्या? दुकान नाम यूरोजोन बरदुबई। यूरोजोन बरदुबई में यहाँ पर जो नाम है वो डाल दूंगा। और राशिद भाई से हम प्राइसिंग पूछेंगे, राशिद भाई दरहम में जो प्राइसिंग है वो बताएंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पर एडिटिंग में डाल दूंगा उसकी जो पाकिस्तानी प्राइस चल रही है ना, तो आपको ऑफिशियल प्राइस भी पता लग जाएगी और जो वैसे प्राइसिंग है वो पता लग जाएगी। तो सबसे पहले हम मेरे ख्याल से आईफोन 13 से शुरू करते हैं। 13 से शुरू करते हैं, जो बिल्कुल 13 नॉर्मल वाला वेरियंट है। तो राशिद भाई इसकी क्या प्राइस चल रही है इस टाइम? अभी वर्जन बोले ठीक है। इसमें अभी इधर आते हैं जो जापान आते हैं, यूएई आते हैं, और यूके आते हैं, और यूएसए आते हैं, ज्यादा चलते हुए, और होंगकोंग भी। होंगकोंग बोलेगा तो सबको मालूम पड़ता है, दो सिम डाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ओके। अगर आपको जापान चाहिए तो आपको 13 128 GB 3180 में, ठीक है, 3180 में जापान मिलेगा, ठीक है। अगर आपको यूएसए और यूके चाहिए तो 3300 में, ठीक है। अगर आपको होंगकोंग चाहिए तो 3300 सेम प्राइस है। अगर आपको दुबई का ऑफिशियल का TRS स्टॉक चाहिए तो वो भी अवेलेबल है 3300। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि जो दुबई का ऑफिशियल स्टॉक होता है उसमें मेरे ख्याल से फेस टाइम नहीं होता, वो ऐसा यूके का होता है, वो LLA मॉडल भी मेरे ख्याल से कहलाता है। यूएसए तो LLA आते हैं और यूके तो बी आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो मेन चीज होती है वो ये होती है कि इसके अंदर 5G मिलीमीटर वेव वाला होता है, तो 5G का थोड़ा सा वो बेहतर हो जाता है। और उसके बाद जो जापान वाला मॉडल है वो तो है, और हांगकांग छोड़ के हांगकांग का फिजिकल ड्यूल सिम, मतलब आप दो सिम में लगा सकते हैं, वैसे बाकियों में ई सिम की ऑप्शन होती है। तो प्राइसिंग जो है वो हम सबकी डाल देंगे। और इसके अलावा मिनी की क्या प्राइस चल रही है? मिनी का 2750 120 GB 2750 प्राइस, जापान वर्जन। जापान सबसे सस्ता है, जापान सबसे सस्ता है, ठीक है। और इधर का आने के लिए इसका मतलब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का प्राइस सस्ता है, इसलिए जापान का सस्ता प्राइस, ठीक है, ठीक है। और अगर हम प्रोज में चले जाए, प्रो में जाएगा 13 प्रो में, इसमें 128 आते हैं, 256 और 512 GB 1 TB, ओके। 128 का अभी 4400 है, ठीक है। 128 का जापान का 4400 है। अगर आपको यूएसए TRA होंगकोंग जो भी चाहिए इसमें आपको मिलेगा 4600, ठीक है। इसका भी प्राइस ऊपर है 13 प्रो का, ठीक है। अगर और दूसरा में 256 GB में आपको मिलेगा, अगर जापान चाहिए तो 4700 में जापान मिलेगा, अगर होंगकोंग सब होंगकोंग दुबई TRA यूके सब 4900 है, ठीक है। और 512 GB में अभी कम हुआ प्राइस, 512 GB जापान चाहिए तो 5100 दिरहम का जापान है, अगर आपको यूएसए और TRA दुबई हांगकांग सब चाहिए तो 5300 में। और इसके बारे में और दूसरा, इसमें 5% टैक्स ऐड करना भी पड़ेगा, ठीक है। अगर आप टूरिस्ट है तो रिफंड मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान से आते हैं और आप इनकी शॉप पे आते हैं तो आप बेसिकली ये जो फोन है इनसे परचेस करेंगे, उसमें ये 5% वैट डालेंगे जो एयरपोर्ट पे मिल जाता है, रिफंड मिलता है। टूरिस्ट चले तो एयरपोर्ट में रिफंड मिलेगा, अगर इधर का है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको वो जो 5% का रिफंड है वो भी मिल जाएगा, वो टैक्स आप एक दफा देंगे शॉप पे, लेकिन आप उसको बाद में रिफंड करवा लेंगे। प्रो मैक्सिस का क्या रेट चल रहा है? प्रो मैक्स अभी बहुत सस्ता हो, अच्छा बहुत सस्ता हो। ये शुरू में कितने का आया था, जब पहले शुरू में हम लोग स्टार्टिंग में
128 GB भेजा था 6000 दिरहम ठीक है 128 में ठीक है। और दूसरा भी बात है सलीम भाई, सलीम भाई फर्स्ट दिन मतलब जो 24 में इधर ऑफिशियल लॉन्च है उसके पहले सलीम भाई का बस हाथ में स्टॉक आया था। सलीम भाई की वीडियो देखी थी मैंने, उसमें वो टाइम मार्केट में 13000 दिरहम का था, है ना सलीम भाई, 13000 दिरहम का, बट ऑफिशियल 24 में 6000 में 128 GB भेजा था, अभी का प्राइस 4800 दिरहम ठीक है 4800। अगर आपको 256 GB चाहिए तो ऑलरेडी ये जो प्राइस है मुझे पता है कि पाकिस्तान की प्राइस से काफी नीचे है। yes. ये जो 4800 वाली प्राइस, अगर आपको 256 GB चाहिए तो आपको 5250 अभी इसका भी प्राइस ड्रॉप हुआ। अगर आपको 512 GB चाहिए तो आपको 5800 में 512 GB मिलेगा। अगर आपको 1 TB चाहिए तो 6100 दिरहम का, ज्यादा फर्क नहीं, 6100 दिरहम का 1 TB मिलेगा। जो ए भी बोला अभी सबको जापानी बोला, अगर यूएसए चाहिए तो भाई बताएगा, भाई ने वो जो नंबर देगा डिस्क्रिप्शन में उसमें आपको मैसेज करो, उसमें सबको नंबर डाल दूंगा, आप उसको प्राइसिंग जो है वो अपडेट भी ले सकते हैं, क्योंकि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी प्राइसिंग बहुत जल्दी बदलती है, एकदम ड्रॉप होती है, तो जो लेटेस्ट प्राइसिंग है उसके लिए नंबर हम यहाँ पर कहीं पर डाल देंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सा वेरिएंट बिकता है, 512 256 128 256 की सबसे ज्यादा सेल है, तो ये भी बड़ी मजेदार चीज है। एक और चीज जो भी मैं डिस्कस कर रहा था कि इससे पहले वाले मॉडल्स में जो प्रो मैक्स था ना वो ज्यादा बिक रहा था, लेकिन वो बता रहे हैं कि 13 में आके 13 प्रो की सेल भी बहुत ज्यादा, मतलब वो जा रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक ही नहीं है, 13 प्रो का स्टॉक भी जो है वो इस टाइम पे कम चल रहा है। तो भाई ये है वो मार्केट जहां से आकर आप जो आईफोन 13 सीरीज या कोई भी टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट ले सकते हैं। मेरे बैक साइड पे मैकबुक भी लगी हुई है, इनके पास सारा एप्पल का जो सामान है और दूसरी कंपनी के भी सामान पड़े हुए हैं। इन मार्केट्स का कमाल ये है कि एप्पल का अपना ऑफिशियल स्टोर महंगा बेच रहा है, बट इन मार्केट्स में आपको सस्ता मिल जाता है, और यही वो मार्केट्स हैं जिनकी वजह से वो आपको कहा जाता है ना कि अपने कजन सिर्फ दुबई से मंगवा लो, तो इन्हीं मार्केट से आकर ले रहा होता है। इनकी शॉप बर दुबई में है और सलीम भाई लेकर आए हैं। एक और चीज कि वारंटी इंटरनेशनल होती है, हाँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सलीम भाई कैमरे के पीछे से हमें गाइड कर रहे हैं क्योंकि उनका काम है, वो बता रहे हैं कि वारंटी ये सारे फोन्स की इंटरनेशनल होती है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एप्पल के स्टोर से लेंगे तो आपको कोई और वारंटी मिलेगी और आप यहां से लेंगे तो कोई और वारंटी है। इन सब पे भी वारंटी वही एप्पल की चल रही होती है, और एप्पल इस चीज में फर्क नहीं करता कि आपने कहां से खरीदा है, एज लॉन्ग एज वो ओरिजिनल आईफोन है एप्पल आपको वारंटी देता है। तो भाई राशि भाई बहुत शुक्रिया, सलीम भाई बहुत शुक्रिया, एंड आप लोगों का भी देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब दुबई आए इनकी शॉप को विजिट करें। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ, अल्लाह।